नमस्कार, आप सबका स्वागत। आज हम महत्वपूर्ण प्रश्नों की 9वीं सीरीज पर डिस्कस करेंगे। इससे पहले 8 सीरीज हमारी पूर्ण हो चुकी है। सीरीज का 8वां पार्ट पूर्ण हो चुका है। आज 9वें पार्ट पर हम फिजिकल ज्योग्राफी और कुछ इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्नों पर डिस्कस करेंगे। और इससे पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि अभी हम राजस्थान ज्योग्राफी को लेकर के भी एक सीरीज शुरू करने वाले हैं। और राजस्थान की राजव्यवस्था पर भी हम प्रश्नों की सीरीज ला रहे हैं। ज्योग्राफी की जो राजस्थान ज्योग्राफी की जो क्लासें होगी वो ट्यूशन बेस्ड ना होकर के डिस्क्रिप्टिव होगी। छोटे छोटे चैप्टर 10 से 15 मिनट में आपको सॉल्व करवाए जाएंगे और एक इंडिया ज्योग्राफी के प्रश्नों की सीरीज भी समय समय पर आएगी। तो आज के प्रश्नों पर हम डिस्कस करें, महत्वपूर्ण 15 प्रश्नों पर हम डिस्कस करेंगे फिजिकल ज्योग्राफी के। ये प्रश्न स्कूल व्याख्याता के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी जो सीरीज चल रही है वो स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी के हिसाब से मैं उनके सिलेबस के अकॉर्डिंग ला रहा हूँ। और साथ ही साथ सेकेंड ग्रेड के लिए और अन्य जो स्टैंडर्ड लेवल के जो एग्ज़ाम होते हैं जहाँ फिजिकल ज्योग्राफी और इंडिया ज्योग्राफी की, उस हिसाब से ये सीरीज चल रही है। और जो स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी से तैयारी करने वाले बच्चे हैं, हालांकि कुछ बच्चे पहले से ही जुड़े हुए हैं, उनके लिए मैं विशेष कह रहा हूँ। अपना जो एप्लीकेशन है एनके ज्योग्राफी पॉइंट, प्ले स्टोर पे जाकर के आप एनके ज्योग्राफी पॉइंट ये ऐप डाउनलोड करके, और वहाँ पर स्कूल व्याख्याता ज्योग्राफी की क्लासें अवेलेबल है, ऑनलाइन कोर्स अवेलेबल है। आप वहाँ से 2024 की जो मेगा स्कूल लेक्चरर की भर्ती आने वाली है, तो वहाँ से हमारे साथ जुड़ करके और आप अपने मंजिल की तरफ जा सकते हैं। तो बिना किसी समय को जाया करते हुए हम सीधे प्रश्नों पर आ जाते हैं। ये आपके सामने 2 प्रश्न हैं। हमेशा की तरह मैं आपको यही कहूँगा कि आप प्रश्न खोल दीजिए और साथ में नोटबुक भी रखिए, अपना उत्तर आप लिखिए। जनसंख्या की आयु लिंग संगठन को निरूपित करने की सर्वोत्तम विधि है। ये सांख्यिकी में से, सॉरी, कार्टोग्राफी में से आया प्रश्न है, डायग्राम का है कि यदि आपको पॉपुलेशन का आयु लिंग संगठन दर्शाना है तो आप कौन सी विधि अपनाओगे? सरल दंड आरेख, मिश्र पट्टी स्तंभ आरेख, पिरामिडी आरेख या बहुरेखा ग्राफ? अब आपको थोड़ा सा सोच करके इसका उत्तर देना है विद्यार्थी। इसका उत्तर है पिरामिडी आरेख। पिरामिड आरेख कौन सा है? आपने देखा होगा इस तरीके से, बीच में एक ऊर्ध्वाधर स्तंभ है और नीचे या पॉपुलेशन रेशियो लिखा हुआ है, और ये रेशियो मतलब पॉपुलेशन परसेंटेज है, और ये जो बीच का पोल है ये आयु वर्ग को बता रहा है, और ये एक तरफ महिला को बता रहा है और एक तरफ पुरुष को बता रहा है। टोटल जनसंख्या में परसेंटेज कितना है? जैसे ये आ गया 0 से 5 आयु वर्ग की महिला, सॉरी 0 से 10 आयु वर्ग की, 10 से 20 आयु वर्ग की, 20 से 30, इस तरीके से ये एक पिरामिड टाइप बनेगा, इसलिए ये पिरामिड ही आ रहेगा। ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है एग्जामों में, तो आयु लिंग संगठन के लिए पिरामिड आ रेख। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऐसे प्रश्न भूगोल में अच्छे खासे पूछे जाते हैं। नंबर 1, वायुमंडल में जल वाष्प की औसत मात्रा 0 से 4% के बीच होती है, यानी वायुमंडल में जल वाष्प 0 से 4% के बीच में है। आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण ही दिखाई देता है। और नंबर 3, वायुमंडल में रेडॉन गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है, रेडॉन गैस अल्प मात्रा में पाई जाती है। अब इनमें से कौन सा कथन सही है? 1 व 2, 1 व 3, 2 व 3 या 1 2 3, तीनों ही? आप अपना उत्तर लिख लीजिए विद्यार्थी। और इस एक ही प्रश्न में बहुत सारे आंसर क्लियर हो रहे हैं, बहुत सारे प्रश्न क्लियर हो रहे हैं। इस प्रश्न का उत्तर 1, 2 और 3, अर्थात तीनों ही राइट है। ये वायुमंडल के संगठन से जुड़ा हुआ प्रश्न है। आपने पढ़ा होगा वायुमंडल के संगठन में गैस, जलवाष्प और धूल के कण, धूल व राख के कण,
ये तीन चीजें महत्वपूर्ण आती है, 90% आपकी गैसें क्लियर करती है, 4 से 5% या 4% आपका है वो जलवाष्प क्लियर करता है, और 1 से 2% है वो धूल और राख के कण करता है। ये बात बिल्कुल सही है कि वायुमंडल में 0 से 4% के बीच में जलवाष्प होती है, कहीं ज्यादा होती है और कहीं कम होती है। तो 0 से 4 के बीच का रेशियो रहता है। आकाश का नीला रंग धूल कणों के कारण दिखाई देता है, बिल्कुल सही। एक इससे जुड़ा आपको प्रश्न और ध्यान रखना है कि इस नीले रंग के पीछे प्रकाश का प्रकीर्णन जिम्मेदार है। प्रकाश का प्रकीर्णन, ओके, अपवर्तन, परावर्तन, प्रकीर्णन, ये शब्द आपने साइंस में पढ़े होंगे और ज्योग्राफी में भी आते हैं। प्रकीर्णन में एक्चुअली क्या होता है कि जिस तरंग दैर्ध्य की प्रकाश किरण आती है वो उस तरंग दैर्ध्य से छोटे व्यास वाले कण से टकराएगी तो वो कई भागों के अंदर बंट जाती है, उसको कहते हैं प्रकाश का प्रकीर्णन। ऐसी कंडीशंस में वायुमंडल में पाए जाने वाले धूल कणों से प्रकाश का प्रकीर्णन होने के कारण ही आकाश नीला दिखाई देता है। और वायुमंडल में रेडॉन गैस अल्प मात्रा में, बिल्कुल सही, रेडॉन की मात्रा है वो कम। ये प्रश्न समझ में आ गया। इस प्रश्न से दो ये चीजें, एक तो प्रकीर्णन और एक वो रेशियो निकल करके आ गया। इस मेरा उद्देश्य यही होता है, ये प्रश्न तो आपको और कहीं बुकों में भी मिल जाएंगे लेकिन उसके इर्द गिर्द और क्या इंपॉर्टेंट प्रश्न है वहां से भी अपन को निकालना है प्रश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर बहने वाली भूमंडलीय हवाओं का सही क्रम क्या है? आपने सनातनी पवने पढ़ी होगी, सनातनी पवने या स्थाई पवने पढ़ी होगी ज्योग्राफी में, ये नाम आपने पढ़ा होगा, स्थाई पवने या सनातनी पवने। और आपने अच्छी तरीके से पढ़ा है, तीन पवने हैं, पशुआ है, व्यापारिक है और ध्रुवीय है। ये कह रहा है कि विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर, कई बार अपन पढ़ने में मिस हो जाते हैं, कौन सी विषुवत की तरफ बहेगी और विषुवत से ध्रुव की तरफ जाएगी तो आपको किस कौन कौन सी हवाएं पार करनी पड़ेगी। इसमें क्रम दिया हुआ है, तीन हवाओं का क्रम है, पशुआ, व्यापारिक, ध्रुवीय। तो आपको देखना है कि विषुवत के पास कौन सी है, उसके आगे कौन सी, उसके आगे कौन सी है। व्यापारिक पशुआ ध्रुवीय होगी, व्यापारिक ध्रुवीय पशुआ होगी, ध्रुवीय पशुआ व्यापारिक होगी। इस प्रश्न का आपका आंसर ये राइट है। और इन हवाओं से जुड़े कई प्रश्न हैं, अभी मैं आपको सॉल्व करवाऊंगा। व्यापारिक पशुआ और ध्रुवीय, यानी विश्वत के पास व्यापारिक बहेगी, उसके बाद पशुआ बहेगी, फिर ध्रुवीय बहेगी। इसको मैं एक डायग्राम के माध्यम से आपको समझा दूं, ये डायग्राम कई प्रश्न आपका क्लियर करेगा। फॉर द एग्जाम्पल, ये हमारी पूरी पृथ्वी का मैप है, ये 0 डिग्री अक्षांश है। आपको पता होगा 35 डिग्री के पास उच्च वायुदाब की पेटी है, बिल्कुल शॉर्ट में बताऊंगा मैं, दक्षिण में भी 35 के पास उच्च वायुदाब की पेटी है और इधर 65 डिग्री के पास निम्न वायुदाब की पेटी है और 90 के पास हाई प्रेशर है। यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, यहाँ लो प्रेशर है, यहाँ हाई प्रेशर है, फिर 65 के पास लो प्रेशर है और 90 के पास हाई प्रेशर है। और आपने सुना होगा कि पवने हमेशा उच्च वायुदाब से न्यून वायुदाब की तरफ बहती है, ऐसा सुना है? यहाँ हाई प्रेशर से लो प्रेशर की तरफ ऐसे पवने चलती है। दिशा का भी थोड़ा ध्यान रखना, मैं बताऊंगा अभी। अर्थात उच्च वायुदाब की पेटी से निम्न वायुदाब की पेटी की तरफ पवने चलती है, इनका नाम है व्यापारिक पवने, व्यापारिक पवने, ओके। उसके बाद थोड़ा सा आप ऊपर जाओगे तो इस हाई प्रेशर से इस लो प्रेशर के बीच में ऐसे पवने चलती है, ठीक व्यापारिक की उल्टी चलती है, इनका नाम है पशुआ पवने, पशुआ, ओके। और इसके बाद आप आगे जाओगे तो इनकी जस्ट उल्टी और व्यापारिक के ठीक समान दिशा में चलती है, उसका नाम है
ध्रुवीय पवने, ये जो चल रही है इनको कहते हैं ध्रुवीय पवने। अब आपका सीक्वेंस बैठ गया होगा, आराम से देख सकते हैं, व्यापारिक पहले, पशुआ बाद में और ध्रुवीय बाद में। अब विद्यार्थियों इनकी दिशा ध्यान रखना, उत्तरी गोलार्ध में तीनों की अलग डायरेक्शन है और दक्षिणी गोलार्ध में अलग डायरेक्शन है। जैसे व्यापारिक की बात करूं, ये उत्तरी गोलार्ध में है, तो ये जो डायरेक्शन है, ये भी एक प्रश्न है, हो ये डायरेक्शन है, इसका नाम है उत्तरी पूर्वी। तो ऐसे प्रश्न पूछा जाता है कि उत्तरी गोलार्ध में व्यापारिक पवनों की दिशा क्या होती है, तो उत्तरी पूर्वी। और यदि पूछे उत्तरी गोलार्ध में पशुआ पवनों की दिशा क्या है, तो आपको बताना है दक्षिणी पश्चिमी, ये दक्षिण पश्चिम से होके आ रही है। और यदि पूछे उत्तरी गोलार्ध में ध्रुवीय की दिशा क्या है, तो उत्तरी पूर्वी। ये प्रश्न कई एग्जामों में पूछा गया है। उसके बाद दक्षिण गोलार्ध की देख लो, दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनों की आपकी दिशा होगी दक्षिणी पूर्वी, क्योंकि ये दक्षिण पूर्व से आ रही है, जबकि पशुआ की होगी उत्तर पश्चिमी, उत्तर पश्चिमी, ये उत्तर पश्चिम से होकर के आ रही है, और इसकी होगी वापस दक्षिणी पूर्वी। ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। और इनका ये जो सेल बनता है, हवाओं का वायुमंडलीय और धरातलीय हवाओं का एक कोष बनता है, कोष कह दें, सेल कह दें या चक्र कह दें, इनका भी नाम है। जैसे व्यापारिक हवाओं का है तो इसको हेडले कोष कहते हैं, और पशुआ हवाओं का है उसको फेरल कोष कहते हैं, और ध्रुवीय हवाओं का है उसको ध्रुवीय कोष कहते हैं। फिर इसकी बहुत लंबी थ्योरी, बट इतना जरूर याद रखना, और एक इन वायुदाब पेटियों का नाम जरूर याद रखना, विश्वत के पास है इसे उष्ण कटिबंधीय न्यून वायुदाब की पेटी कहते हैं, और उसके बाहर जो 35 डिग्री के पास है दोनों गोलार्धों में, इसको कहते हैं उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी, उपोष्ण कटिबंधीय उच्च दाब की पेटी। और उसके बाद में जो आएगी वो उपध्रुवीय निम्न वायुदाब की पेटी है, फिर जो आएगी उसको कहते हैं ध्रुवीय उच्च वायुदाब की पेटी। और इसमें दो पेटियां गतिजन्य और दो पेटियां तापजन्य, ये भी आपको पता होना चाहिए, ये जीरो वाली और ये ध्रुव वाली, ये तो है तापजन्य पेटी, और ये बीच वाली दोनों है, ये है गतिजन्य पेटी। गतिजन्य पेटी पृथ्वी के घूर्णन के कारण पैदा होती है, हवाओं के अवतलन के कारण पैदा होती है। चलो, ये प्रश्न हो गया हवाओं का। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं, कंप्लीट है, अच्छा प्रश्न है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, यदि वर्षा साल भर समान रूप से वितरित हो, वर्षा साल भर समान रूप से वितरित हो, तो शुष्क मरुस्थल तथा स्टेपी जलवायु की सीमा, मतलब BW और BS की सीमा का कोपेन ने क्या सूत्र दिया। ये प्रश्न थोड़ा स्टैंडर्ड लेवल का है। आपने कोपेन का क्लाइमेट क्लासिफिकेशन पढ़ा होगा। कोपेन कुछ जलवायु को अलग करने के लिए, यानी दो जलवायु प्रदेशों को अलग करने के लिए एक फार्मूला देता है। वो दो अलग अलग क्लाइमेट के लिए ये यूज करता है। एक तो करता है कि भाई जो मरुस्थल के अंदर दो क्लाइमेट है, एक तो है उष्ण कटिबंधीय, सॉरी मरुस्थलीय जलवायु, और एक है अर्ध मरुस्थलीय जिसको स्टेपी जलवायु कहते हैं। PW और BS को अलग कैसे किया जाता है, और एक वो देता है AW और AM को अलग कैसे किया जाता है, उष्ण कटिबंधीय मानसूनी जलवायु और उष्ण कटिबंधीय सवाना जलवायु, उनको अलग कैसे किया जाता है। तो ये कह रहा है कि BW और BS को अलग करने का फार्मूला क्या है, R is equal to T plus 14, R is equal to T plus 7, R is equal to T plus 14, इनमें से फार्मूला क्या है। ये तो पढ़ा हुआ है तो ही आपको पता चलेगा। R का मतलब होता है रेन की मात्रा, वार्षिक औसत वर्षा, T टेम्परेचर है जो वर्षा के मुकाबले वर्णित किया गया है, तो इसमें आपका फॉर्मूला सही है, R is equal T plus 7। ये काफ़ी स्टैंडर्ड है, बहुत कम बुकों में मिलता है। इसके लिए BW और BS के लिए अलग करने के लिए कोपेन ने एक और फॉर्मूला यूज़ किया था, वो काफ़ी पूछा जाता है, वो भी आप लिख लो। वो फॉर्मूला है R is equal 0.44 टी माइनस 8.5/2 माइनस 8.5/2
दो, ये फॉर्मूला इसने और यूज किया था। आर का यहाँ तात्पर्य होता है वार्षिक वर्षा, वार्षिक औसत वर्षा जो इंच के अंदर होती है। यहाँ आर का मतलब है वार्षिक औसत वर्षा, और किस में मापी, इंच में मापी है। और यहाँ टी का तात्पर्य है तापमान, और वो भी वार्षिक औसत तापमान फारेनहाइट में। यहाँ टेम्परेचर रहेगा वार्षिक, ध्यान रखना हो, वार्षिक औसत तापमान है वो फारेनहाइट में। अब यदि इस फॉर्मूले से जो मान आता है टेम्परेचर को, वार्षिक औसत टेम्परेचर को 0.44 से गुणा करके 8.5 घटा करके 2 का भाग दे दो, और उसके बाद जो आर आता है आपका, अब आपको ध्यान रखना है कि यदि आर का मान आ गया 4, फॉर द एग्जाम्पल हो, और आपके यहाँ औसत वार्षिक वर्षा हो गई 5, माना कि आप नागौर में खड़े हैं और वहां वार्षिक औसत वर्षा हुई 5, इसका मतलब इस फॉर्मूले में आर के मान से वर्षा ज्यादा है। वर्षा ज्यादा है तो वो बीएस के अंदर आएगा एरिया, और यदि आप जैसलमेर के सम में खड़े हो और वहां वर्षा हो गई 3 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर में या इंच में जो भी उन्होंने फॉर्मूला दिया उस हिसाब से, तो यदि 4 के बजाय 3 सेंटीमीटर होती है वर्षा, तो ऐसी कंडीशंस में आप वहां की क्लाइमेट को किस में मानोगे, बी डब्ल्यू में मानोगे। तो बी डब्ल्यू विषम मरुस्थल है, बी एस अर्ध शुष्क स्टेपी है। इतना गहरा बड़े स्टैंडर्ड लेवल के एग्जाम में पूछा जाता है, केवल फॉर्मूला आ सकता है। एक फॉर्मूला उसने और दिया था, ए डब्ल्यू और ए एम, ये आपको पता हो तो क्लाइमेट थी, उस ए एम उष्ण कटिबंधीय मानसूनी है और ए डब्ल्यू उष्ण कटिबंधीय सवाना तुल्य जलवायु है। और इसका फॉर्मूला उसने वो भी वर्षा से कनेक्ट करके दिया था, ए इज इक्वल 3.94 - R/25, ए इज इक्वल 3.94 - R/25। ये फॉर्मूला है ए डब्ल्यू और ए एम के बीच का। यहाँ आर का मतलब वार्षिक औसत वर्षा है, और ए है वो शुष्क महीने की वर्षा है, ए है वो शुष्क महीने की वर्षा है, शुष्क महीने की औसत वर्षा, और आर है वो वार्षिक औसत तापमान की बात कर रहा है, वार्षिक औसत ताप की बात कर रहा है। अब इस फॉर्मूले से जो भी आपका मान आता है, उस मान से यदि किसी स्थान पर शुष्कतम महीने की वर्षा अधिक होती, माना कि इस फॉर्मूले में आपने टेम्परेचर से कैलकुलेट करके और आपके ए का मान आया 10, ठीक है, आपने कैलकुलेट करके ए का मान 10 कर लिया। अब आप किसी एक्स स्थान पर खड़े हैं और वहां वर्षा हो रही है आपकी 12, इसका मतलब ए के मान से ज्यादा है। यदि वर्षा ज्यादा होगी तो कोपेन कहता है कि वो ए एम क्लाइमेट होगी। इस गुण से, इस फार्मूले के मान से वर्षा ज्यादा है तो वो ए एम क्लाइमेट में जाएगी, और वर्षा कम है तो वो ए डब्ल्यू क्लाइमेट में जाएगी। अच्छा प्रश्न है, समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़े। अगला क्वेश्चन है, भूमध्यवर्ती क्षेत्र में महासागरीय लवणता कम होती है। ध्यान से सुनना, भूमध्यवर्ती क्षेत्र, भूमध्यवर्ती क्षेत्र का मतलब विषुवतीय की बात कर रहे हैं। भूमध्यवर्ती क्षेत्र की विशेषताएं भारी वर्षा, मेघाच्छादन वे आर्द्रता है, ये कथन कारण का प्रश्न है, ढंग से समझ लेना। अब नीचे 4 दिए हुए हैं, ए आर दोनों सही, आर ए की व्याख्या है, 2 में व्याख्या नहीं है, 3 में ए सही आर गलत है, 4 में ए गलत आर सही है। बता दीजिए इसका उत्तर। इसका उत्तर ए सही है, स्टेटमेंट दोनों सही है। आपको पता है महासागरीय लवणता सर्वाधिक विषुवतीय क्षेत्रों में सर्वाधिक नहीं होती है, वो उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्रों में 20 डिग्री के आसपास अधिक होती है, ठीक है। इसका कारण भी ये सही है, क्योंकि विषुवतीय रेखीय क्षेत्रों में वर्षा ज्यादा होती है और ह्यूमिडिटी ज्यादा रहती है, अत्यधिक वर्षा होने के कारण मेघाच्छादन तो वर्षा का कारण है, तो ऐसी कंडीशंस में वहां ताजा पानी मिलता रहता है, इस कारण लवणता कम पाई जाती है। नेक्स्ट प्रश्न, लेखक और उसकी पुस्तक, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। रीटर, हम्बोल्ट, वारेनियस और होमर की किताबों का यहाँ जिक्र किया गया है। जियोग्राफिया जर्नलिस्ट किसने लिखी, ओडेसी किसने लिखी, कॉस्मोस किसने लिखी, और ये अरक कुंडे नहीं है, अर्ड कुंडे है।
अर्ड कुंडे। तो आप अपना आंसर इसमें से सेट कर दीजिए, नीचे कूट लिखे हुए हैं, मैं मिला करके आपको बताऊंगा, अच्छा रहेगा कूट में अपन देखने के बजाय। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। आपको पता है ज्योग्राफी या जर्नलिस्ट किसने लिखी थी? ये लिखी थी वरेनियस ने। बहुत ही अच्छा, मैंने ज्योग्राफी के कोर्स में भी बढ़िया ढंग से इसको बताया था। भूगोल के अंदर द्वैतवाद पैदा किया था वरेनियस ने, और वो 1650 में उसकी जो लिखी गई किताब थी ज्योग्राफिया जर्नलिस उसमें आया था। और ज्योग्राफिया जर्नलिस में उसने सामान्य बनाम विशेष भूगोल, सामान्य भूगोल और विशेष भूगोल दो अलग शाखा के रूप में उसको पेश किया था। उसके बाद ओडेसी होमर का महाकाव्य है। होमर की कहानी आपने पढ़ी होगी, ग्रीक ज्योग्राफर, 9वीं शताब्दी ईसा पहले हुआ था। इलियट और ओडेसी नामक दो ग्रंथ लिखे थे जिसमें ट्रोजन युद्धों का अच्छा वर्णन किया गया था जो एथेंस और स्पार्टा के बीच में सदों पहले लड़े गए थे। इसके अलावा इसका एक ग्रंथ ट्रीनियस और आता है, और होमर के संदर्भ में चार हवाओं की भी अच्छा प्रश्न बनता है, बोरस, यूरस, नोटस और जेफायरस। उसके बाद में कॉस्मोस आता है, हम्बोल्ट का लिखा गया ग्रंथ है, 5 खंडों में लिखा गया है। पर जो ज्योग्राफी के लेक्चरर की तैयारी करने वाले हैं, 5ों खंड का सन ध्यान रख लेना, विषय वस्तु ध्यान रख लेना, और उनका जो 5वां खंड था वो मृत्यु के बाद आया। और अर्धकुंडे लिखा था रीटर ने। रीटर का अर्धकुंडे आपको पता होगा प्रादेशिक भूगोल पर आधारित ग्रंथ है। कहते हैं कि 19 खंडों में इसको लिखा गया था। कुछ विद्वान ये कहते हैं कि इसके 2 मूल खंड थे, बाकी अलग अलग बुकों के अलग अलग खंड नाम दे दिए। कोई बात नहीं, रीटर की अर्धकुंडे का कोई स्पेशली पूछा नहीं जाता है कितने खंडों में लिखी गई थी। ओके, नेक्स्ट। छोटा नागपुर पठार का उत्तरी पूर्वी शोर कौन सी पहाड़ियों से बना हुआ है? अच्छा प्रश्न है। राजमहल की पहाड़ियाँ, मिकिर की पहाड़ियाँ, पार्सनाथ की पहाड़ियाँ और जावाड़ी, जावाड़ी नहीं, जावादी की पहाड़ियाँ, आप बता दीजिए। ये तो बहुत सिंपल सा प्रश्न है, इसमें राजमहल की पहाड़ियाँ आएगी। राजमहल की पहाड़ियाँ प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी शोर है। तो प्रायद्वीपीय पठार का पूर्वी शोर होने का मतलब छोटा नागपुर के पठार का भी पूर्वी शोर है। मिकिर की पहाड़ियाँ असम में मिलेगी, जावादी तमिलनाडु क्षेत्र में मिलेगी आपको, पार्श्वनाथ की पहाड़ियाँ तो अपना विंध्यन क्षेत्र का हिस्सा है। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, पशुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में अधिक शक्तिशाली होती है। स्टेटमेंट को ढंग से देख लेना, उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में स्थल क्षेत्र अधिक है। ये स्टेटमेंट वाला प्रश्न है, ढंग से इसको देख करके सवालों कर सकते। आपने अपना उत्तर लिख लिया होगा। इसमें देखो, ये स्टेटमेंट गलत है। पशुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की अपेक्षा उत्तरी गोलार्ध में शक्तिशाली होती है, ये गलत है। पशुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध में शक्तिशाली होती है, तो ए तो गलत हो गया। उत्तरी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध की तुलना में स्थल क्षेत्र अधिक है, बात बिल्कुल सही है। दक्षिण गोलार्ध में पानी ज्यादा है और उत्तरी गोलार्ध में स्थल ज्यादा है, तो ए गलत है और आर सही है। तो ये आपका आंसर है वो सही बैठेगा। अब आप कहोगे सर ए गलत क्यों है? पशुआ हवाएं दक्षिणी गोलार्ध की शक्तिशाली होती है क्योंकि वहां जल की मात्रा अधिक है, इसलिए हवाओं के मार्ग में कोई अवरोध नहीं है, इस कारण वो तेज गति से चलती है। जबकि स्थल पर हमेशा पहाड़ियां भी होती, घाटियां भी होती है, तो घर्षण होता है, घर्षण की वजह से हवाओं की गति कम हो जाती है। ओके, इसलिए ये गलत है, ये सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मैदानी क्षेत्र की सड़कें घनत्व और गुणवत्ता की दृष्टि से अधिक ऊंचाई वाले क्षेत्रों यथा बरसाती और वन्य क्षेत्रों की तुलना में अपेक्षाकृत अच्छी होती है। ये स्टेटमेंट सही है कि नहीं है, ढंग से देख लेना। मैदानी क्षेत्रों में सड़क निर्माण आसान व सस्ता होता है, जबकि पहाड़ी व पठारी क्षेत्रों में कठिन और महंगा होता है। और स्टेटमेंट नीचे चार जो इनके उत्तर दिए उसके हिसाब से देख लेना। देखो इसमें स्टेटमेंट दोनों ही सही है। ऊपर वाला सही है कि हाँ बरसाती और वन्य क्षेत्रों की तुलना में, अर्थात ऊंचाई वाले क्षेत्रों की तुलना में मैदानी क्षेत्रों में सड़कों की गुणवत्ता ज़्यादा होती है और डेंसिटी भी ज़्यादा होती है। फिर नीचे इसने लिखा है कि सड़क बनाने का काम पहाड़ी की अपेक्षा मैदानों में ईजी होता है, पहाड़ियों में कठिन होता है। स्टेटमेंट दोनों सही है, लेकिन ये कथन उसकी व्याख्या नहीं करता है।
वहाँ डेंसिटी कम होने का कारण कठिन कार्य नहीं है, बल्कि वहाँ पॉपुलेशन कम है उस वजह से, और गुणवत्ता कम होने का रीजन ये है कि वहाँ पहाड़ी क्षेत्र है, इसलिए वर्षा वगैरह की कंडीशंस के कारण वो जल्दी टूटती है, इस कारण क्वालिटी का भी कम मेंशन होता है। तो ये और ये स्टेटमेंट तो सही है, बट ये स्टेटमेंट उसकी पूर्ण व्याख्या नहीं करता है, इसमें ये हो जाएगा। उसके बाद सुमेलित कीजिए, एक तरफ बांध दिए हुए हैं, दूसरी तरफ नदियां हैं, हीराकुंड, मैथन, मैथन या मैथेन भी होगा इस, मैथेन और उकाई व बाकड़ा नांगल, दामोदर, तापी, महानदी और सतलुज। तो ये तो आपने आंसर का मिलान कर दिया होगा, कूट मैंने नीचे नहीं दिया है। आपको पता है हीराकुंड बांध है वो महानदी पर बना हुआ है, ओके। मैथेन बांध आपका दामोदर पे है, उकाई परियोजना तापी पे है और भाखड़ा नांगल सतलज पे। ये आपका आंसर राइट होगा। हीराकुंड का प्रश्न कई बार आता है, महानदी पर है, उड़ीसा के अंदर है, तापी गुजरात की है, उकाई परियोजना ये मैथेन पश्चिम बंगाल दामोदर वाला एरिया, और भाखड़ा नांगल सतलज। ओके नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तरी प्रशांत महासागर की दो मुख्य शीत धाराएं किस रूप में जानी जाती है। बात कह रहा है कि उत्तरी प्रशांत महासागर की दो शीत धाराएं बतानी है, कौन सा युग्म इसमें सही होगा। केवल शीत ही नहीं देखना है, उत्तरी प्रशांत में चलती वो शीत देखना है आपको। ओयासिवो और कैलिफोर्निया, अलास्का और क्यूरोसिवो, उत्तरी विषुवतीय और प्रतिविषुवतीय, उत्तरी प्रशांत और क्यूरोसिवो धारा। आप अपना आंसर दे दीजिए विद्यार्थियों। इस प्रश्न का उत्तर ये होगा, ओयासिवो और कैलिफोर्निया की धारा। ओयासिवो धारा कौन सी है, जब आप प्रशांत महासागर की बात करोगे तो जापान के ऊपर से जो आती है ध्रुव से विश्व की तरफ, जापान की ऊपरी साइड से नीचे से जाती है क्यूरोसिवो मतलब क्यूराइल की धारा, और ऊपर से आती है ओयासिवो की धारा। तो ये है एक तो ठंडी। कैलिफोर्निया की धारा आपको पता है कैलिफोर्निया तट के पास चलती है यूएसए के पास, तो ये भी ध्रुव से आती है अर्थात उत्तर से आती है, तो वो भी ठंडी होगी। तो ये दोनों ही ठंडी है, जबकि अलास्का और क्यूरोसिवो में से, क्यूरोसिवो तो चलो ठंडी है लेकिन अलास्का गर्म है, ये आपको बहुत ही अच्छा ध्यान रखना है। अलास्का धारा कौन सी है, ये जैसे क्यूराइल यहाँ जाएगी तो यहाँ जो विषुवतीय प्रवाह होगा जिसको हम पूर्वी विषुवतीय प्रवाह या विषुवतीय पशुआ प्रवाह कहते हैं, इसका कुछ जल है वो अलास्का की साइड में जाता है, अलास्का खाड़ी में, तो ये तो गर्म हो गई अलास्का वाली, तो क्योंकि पानी तो विषुवतीय से मिल रहा है, इसलिए अलास्का गर्म है और क्यूरोसियो चलो ठंडी है, तो ये भी नहीं होगा। ये हो गया उत्तरी विषुवतीय और प्रतिविषुवतीय की, ये तो दोनों ही विषुवत रेखा पे चलेगी इसलिए गर्म है। उत्तरी प्रशांत और क्यूरोसियो, तो ये तो दोनों ही गलत हो गई, क्योंकि उत्तरी प्रशांत ये भी तो गर्म है और ये क्यूरोसिवो ये भी गर्म है। हो गया, समझ गए। उसके बाद सूची एक सूची दो को सुमेलित करना है, महासागरीय कटक और महासागर, डॉल्फिन, चैलेंजर, लक्कादीव चौगोस, और ये करमुलन नहीं है, करगुलेन गासबर्ग है, करगुलेन, करगुलेन गासबर्ग कटक, और इधर महासागर, दक्षिण अंद, हिंद महासागर, अरब और उत्तरी अंद महासागर। अच्छा प्रश्न है ये प्रश्न कई बार पूछा जाता है, अटलांटिक वाली कटकें तो कई बार पूछी जाती है। चलो इसको हम देख लेते हैं, डॉल्फिन कटक आपको मिलेगी उत्तरी प्रशांत सॉरी उत्तरी अटलांटिक महासागर में, और चैलेंजर मिलेगी दक्षिणी में। ये तो कई बार एग्जाम में पूछा गया, तुम्हें कंफ्यूजन करता है। चैलेंज हमेशा दक्षिण अटलांटिक देगा आपको, चैलेंज दक्षिण में मिलेगा और डॉल्फिन मछली आपको उत्तर में मिलेगी, बर्फीले इलाके में। ये थोड़ा ट्रिक्स के हिसाब से ध्यान रखना है। लक्कादीव चागोस ये आपका अरब सागर में मिलेगी, हिंद महासागर में, हिंद महासागर के अरब सागर वाले हिस्से में मिलेगी, और करगुलेन गासबर्ग आपको मिलेगी हिंद महासागर में। इसको मैं एक डायग्राम से भी आपको बता दूं, थोड़ा ध्यान रखना। ये अटलांटिक का है, अटलांटिक में अभी आया था चैलेंजर कटक, ये चैलेंजर कटक है, ओके, और ये है डॉल्फिन राइज। तो ये देखो उत्तरी में हो गया और चैलेंजर दक्षिण में। एक टेलीग्राफ पठार का भी कई बार पूछा जाता है, ये भी उत्तरी अटलांटिक महासागर में। विविल थॉम्सन कटक भी उत्तरी अटलांटिक में है। इसके अलावा जो रोमांच ग्रत है वो विश्व के ऊपर मिलता है,
और वाल्विस कटक आपको मिलेगी दक्षिण में, और सैंडविच गर्त आपको मिलेगा दक्षिण के अंदर, और प्योर्टो रिको तो कैली इसमें है, कैरिबियन द्वीप में है, तो ये आपको उत्तरी अटलांटिक में मिलेगा। थोड़ा हिंद महासागर पर भी डिस्कस कर लें, जैसे ये सोकोत्र चागोस कटक है, ये आपको अफ्रीका के पास मिलेगी हिंद महासागर में, और लक्कादीव कटक ये यहाँ आ जाएगी, ये अरब सागर वाला हिस्सा। इसमें एक 90 डिग्री रिज का और पूछा जाता है, ये ध्यान रखना, ये हिंद महासागर में है। सेंट पॉल एम्स्टर्डम कटक, ये भी हिंद महासागर में, दक्षिण हिंद महासागर में, सेंट पॉल कटक और एम्स्टर्डम सेंट पॉल कटक, और एक प्रिंस एडवर्ड क्रोजेट कटक, ये भी आपकी दक्षिण हिंद महासागर में मिलेगी। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। निम्न में से कौन सा क्षेत्र अधिकतम भूकंप संभाव्यता वाला क्षेत्र है, सर्वाधिक भूकंप? पूर्वी राजस्थान, मध्य प्रदेश, बिहार नेपाल सीमावर्ती, उत्तरी हरियाणा? ये प्रश्न तो बिल्कुल इजी निकल रहा है, क्योंकि हिमालयन बेल्ट है तो बिहार नेपाल सीमावर्ती क्षेत्र में अधिक हो। उसके बाद सूची एक और सूची दो को सम्मिलित कीजिए, इसमें ये धाराएं दी हुई है, लेब्राडोर, फॉकलैंड, क्यूराइल और पेरुवियन धारा। इसमें उत्तरी प्रशांत, दक्षिण प्रशांत, दक्षिण अटलांटिक और उत्तरी अटलांटिक मिलान कर दीजिए। धारा का तो एक एक का जानकारी होना बहुत जरूरी है। लेब्राडोर आपको पता है, लेब्राडोर अटलांटिक महासागर में चलेगी, और ये उत्तरी अटलांटिक में आती है और ठंडी जल धारा है, तो ये उत्तरी अटलांटिक में होगी लेब्राडोर। आपको पता है गल्फ स्ट्रीम नीचे से जाती है, अटलांटिक का अभी मैंने मानचित्र बताया ना, जैसे यहाँ से जाएगी विषुवतीय, फिर यहाँ से आगे जाने के बाद यहाँ गल्फ स्ट्रीम बन जाएगी, और यहाँ से आ रही है लेब्राडोर, तो ये लेब्राडोर ठंडी होगी, फिर यहाँ से अटलांटिक पशुआ प्रवाह बनेगा ये, और फिर इधर से वापस ये आ जाएगी कनारी की धारा। ये एक पूरा गायर्स है, एक बार मैंने गायर्स के बारे में भी आपको बताया था। लेब्राडोर ठंडी जलधारा उत्तर अटलांटिक में चलती है, फॉकलैंड ये चलती है आपकी दक्षिण अटलांटिक में। फॉकलैंड धारा कहाँ है ये भी मैं बता दूँ, यहाँ से आएगी आपकी फॉकलैंड धारा, यहाँ दक्षिणी अमेरिका के नीचे से ध्रुव से आती है, इसलिए ये ठंडी है। तो फॉकलैंड धारा ये भी आपको ध्यान रखना ठंडी है, और लेब्राडोर भी ठंडी है। उसके बाद क्यूराइल, इसका जिक्र तो अभी अभी हुआ ही था, क्यूराइल आपको उत्तरी प्रशांत में मिलेगी, और क्यूराइल एक प्रकार की गर्म जल धारा है, और पेरुवियन आपको मिलेगी दक्षिणी प्रशांत में, पेरू के पास मिलेगी, और पेरुवियन या इसको अम्बोल्ट की धारा कहते हैं, ये एक प्रकार की ठंडी जल धारा है। ओके, नेक्स्ट, हमारा साझा भविष्य किस संस्था की रिपोर्ट है? अच्छा प्रश्न है ये, UNDP, विश्व बैंक, बर्टलैंड आयोग और रोम ऑफ कल्प? ये है बर्टलैंड आयोग। सस्टेनेबल डेवलपमेंट आपने पढ़ा होगा, सतत विकास, सतत विकास से संबंधित ये रिपोर्ट है बर्टलैंड कमीशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न को सुमेलित कीजिए, एक तरफ गर्त है और एक तरफ महासागर दिए हैं, एल्यूसियन, टोगा, सूडा और मिडनाव, मिडनाव या मिडनाव हो गया, दक्षिण प्रशांत, उत्तर प्रशांत, हिंद महासागर और अटलांटिक महासागर। देखो एल्यूसियन आपको प्रशांत में मिलेगा, प्रशांत में भी उत्तरी प्रशांत में आपको मिलेगा, तो एल्यूसियन गर्त मिलता है उत्तरी प्रशांत में, और टोगा गर्त आपको मिलेगा दक्षिणी प्रशांत में। ये दो तो हो गए प्रशांत के, सुंडा आपको मिलेगा हिंद में और मिडनाओ आपको मिलेगा अटलांटिक में, तो ये हो गया आपका गर्त। उसके बाद नेक्स्ट एक क्वेश्चन है, एक तरफ विद्वान है और दूसरी तरफ उनका योगदान है, काफी स्टैंडर्ड लेवल का ये प्रश्न है, हेरोडोटस का, टॉलमी का, अल्बरूनी का और हिपार्कस का? दूसरी तरफ मानचित्र बनाने की कला किसने दी, किसने कहा कि इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से प्रतिपादित किया जाना चाहिए और संपूर्ण भूगोल को ऐतिहासिक दृष्टि से प्रतिपादित किया जाना चाहिए? किसने गणित, भौतिक और क्षेत्रीय भूगोल में अच्छा योगदान दिया? किसने अक्षांश व देशांतर के जाल को पृथ्वी के स्थान की स्थिति निर्धारण करने के रूप में उपयोग करने का सुझाव दिया? गजब का प्रश्न है। तो लेट अस गो, सीधे जाएं अपन, मानचित्र बनाने की कला हमें दी थी टॉलमी ने, याद रखना टॉलमी ने तो भूगोल को ही मानचित्र कला कहा है, तो
मानचित्र बनाने की कला टॉलमी ने दी, ये इतिहास का भूगोल और भूगोल का इतिहास ये काम हेरोडोटस का है ना। ये कई बार प्रश्न पूछा जाता है, किसने इतिहास को भौगोलिक दृष्टि से प्रतिपादित किया और भूगोल को इतिहास के परिप्रेक्ष्य से समझने की बात कही, ये हेरोडोटस ने। गणित भूगोल और क्षेत्रीय भूगोल पर काम करने, गणित भौतिकी और क्षेत्रीय भूगोल पर काम करने वाला अलबरूनी था, अरब ज्योग्राफर। और ये जो अक्षांश देशांतर के जाल को आधार मान करके स्थानों की स्थिति निर्धारण करने के जो सुझाव थे वो हिपार्कस ने दिए। ये वही हिपार्कस है जिसने वो 360 डिग्री पृथ्वी के एंगल को निरूपित किया था। तो ये आपका हो गया आज का एक सीरीज, बहुत ही अच्छा वैल्यूएबल सीरीज है। इसी तरीके से हम नेक्स्ट सीरीज भी लेकर के आपके बीच में उपस्थित होंगे। बेहतर तरीके से तैयारी करते रहिए, उम्मीद है कि आप अपनी मंजिल तक पहुंचोगे। धन्यवाद।